तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल पग पग तू ही संभाल पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल धोनी के दोस्त के साथ इन दोनों महान विभूतियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर इनका अभिनंदन करेंगे। आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है आज हमारे लिए कि हमारे बीच परम पुज्य योग ऋषि परम पुज्य स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद के शिरोमणि कलयुग के धर्मंत्री श्रद्धेय आचार्य प्रातः वंदनीय आचार्य जी हमारे बीच पधार चुके हैं और प्रार्थना के साथ पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाल तालियों के साथ सब तेरे कोई ना परा ये जीवन है तुझसे पाया सब तेरे कोई ना पराया कोई ना पराया ये जीवन तुझ पे है वारे प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु पग पग तू ही संभाल पग पग तू ही संभाल पग पग तू ही संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से पग पग तू ही संभाल पग पग तू ही संभाल अंधकार मन
का मिटे। तन का कटे क्लेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेह। योगी बनो पवित्र बनो, आइए तालियों के साथ, ये बहुत ही सुंदर गीत है, प्रेरणादायक ये गीत। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। तालियों के साथ मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। तो बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाइए प्लीज। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो।
गाइए सभी मेरे साथ मिलकर, ये बहुत ही सुंदर गीत योग की महिमा इस गीत के भाव को दर्शाता है। सभी तन्मयता के साथ मेरे साथ मिलकर गाएंगे। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में चल के प्यार। योग प्राणायाम के माध्यम से किस तरह हमारा जीवन बदलता है, इस गीत के माध्यम से आप सुनिए। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में चल के प्यार। वही ज्ञान की पावन गंगा, वही ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। भगवान हमारा साथी है, ये तालियों के साथ। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, वो
संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाते हैं, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। और आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे, हमारे मध्य में माननीय महामहिम महोदय का आगमन हो चुका है। आपकी करतल ध्वनियां श्रद्धा वंदनीय स्वामी जी महाराज श्रद्धाचार्य श्री माननीय महामहिम महोदय का अभिनंदन करते हुए चरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। और आज के इस पावन दिवस पर सूर्य की रश्मियों के बीच में श्रद्धा वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज का यह पावन योग शिविर आरंभ हो, माननीय महामहिम महोदय आज के इस सत्र का शुभारंभ भारतीय संस्कृति के प्रतीक दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। श्रद्धे आचार्य श्री श्रद्धे स्वामी जी महाराज, ओम असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। बहन अमिता जी, आदरणीय पूजनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धा वंदनीय स्वामी जी महाराज, और आपकी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से यह आज के योग सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से माननीय महामहिम भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म के ध्वजवाहक योग को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले तपोमूर्ति सन्यास परंपरा के गौरव श्रद्धे योग ऋषि स्वामी जी महाराज मंच पर एक बार सबकी ओर से पुनः महामहिम का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको प्रणाम और वंदन। इस भारत के लोकतंत्र की गरिमा का, उसके गौरव और स्वाभिमान का ये पावन स्थान है, और आदरणीय महामहिम जी से एक दशक से भी पुराना हमारा एक आत्मीय संबंध है। वो संबंधों में जहां हमारे लिए एक पिता तुल्य है और ज्ञान में वो गुरु समान है, क्योंकि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक जो संरचना है उसको वो जीते हैं और उसके
बारे में एक समग्र समझ रखते हैं। यहां इस राष्ट्रपति भवन के पावन परिसर में ये शिविर आयोजित करके महामहिम ने योग को बहुत गौरव प्रदान किया है और आज पूरे विश्व में योग गौरवान्वित हो रहा है। लगभग 20 लाख किलोमीटर की हमने पूरे देश और दुनिया भर में यात्रा करके जो योग को सम्मान दिलाने की और लोगों के जीवन में समाहित करने की जो एक विनम्र चेष्टा की, आज हमें ये सुखद अनुभूति है महामहिम के सम्मुख कहते हुए कि जहां एक तरफ रोग लोगों की जीवन शैली बन गए थे, अब योग लोगों की जीवन शैली बन रहा है, यह हमें कहते हुए प्रसन्नता है। और मैं आज इस योग के अभ्यास को आप सबके लिए आगे बढ़ाऊं उससे पहले बहुत ही विनम्रता के साथ जिनसे राष्ट्रपति पद गौरवान्वित है, जिससे राष्ट्र गौरवान्वित है, हम सब जिससे गौरवान्वित हैं और योग को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, ऐसे महामहिम से प्रार्थना करता हूं कि अपने पावन आशीषों से हमें कृतार्थ करें और उसके बाद हम योग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ की तरफ से और करोड़ों करोड़ों योग साधकों की ओर से महामहिम को बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, सभी योगों के लिए हाजिर हुए सज्जनों और देवियों, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनॉग्रेट द योगो शिविर ऑफ पतंजलि योगा फीट। योगा हैज स्पिरिचुअल and religious to roots in India, where it has been practiced since centuries. Patanjali was known as the most important teacher of yoga in India. Yoga is both an art as well as a science. It is an ideal exercise for all age groups, especially those who cannot perform rigorous exercise due to certain health conditions. Regular yoga helps to control a number of diseases and enable people to live a healthy life. A number of initiatives have been introduced in the president's estate for the welfare of its residents. It is now a 4H township: heritage, high tech, happy and health. Senior citizens are regularly practicing yoga classes under the Samagam initiative. I hope this yoga shibir will be useful for the residents of the President's estate who are present here. I wish Yoga Guru Swami Ramdev, Acharya Brahmachariji and all members of the Patanjali Yoga Peeth every success in their future endeavors. Thank you. Sabko bahut bahut आइए सभी योग को प्रारंभ करने के लिए सीधे बैठ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से परम पूज्य
महाराज जी का, आचार्य जी का अभिनंदन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और चलते हैं योग साधना के अभ्यास के साथ परम पूज्य स्वामी जी के साथ। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए योग को प्रारंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृताः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। प्रार्थना के उपरांत क्रियात्मक योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के बाद ध्यान, आसन, व्यायाम, ये चार मुख्य योग की प्रैक्टिसेस होंगी। योग के तीन बड़े पक्ष हैं, एक योग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ योगा, दूसरा योग की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ योगा, और तीसरा है योग का आचरण दिन भर करना, योग इन एक्शन। हम अष्टांग योग, राज योग जिसको कहा जाता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग और हठ योग आदि के मूलभूत सिद्धांत आपको इन दो दिनों में सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रैक्टिस है वहां से शुरू करते हैं। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, ये पहला अभ्यास है। और ये अभ्यास करते करते पूरे देश भर में योग के साथ साथ हमने आयुर्वेद को भी प्रचारित किया, स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया और पूरे देश में स्वाभिमान जगाया। तो आदरणीय महामहिम जी ने पूरे देश भर में स्वदेशी के प्रचार के लिए जो वाहन हमने बनाए हैं उसका भी अपने करकमलों से उद्घाटन किया। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि लोगों के जीवन में सब प्रकार की शुचिता आए, माने योग से, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलम शरीर सच वैद्यकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिनानतोस्मि। लंबा श्वास भरते रहिए। महर्षि पतंजलि के बारे में ऐसी हमारी एक लोक मान्यता है, परंपरा है कि उन्होंने योग शास्त्र के द्वारा चित्त के दोषों को वैद्य का शास्त्र आयुर्वेद के द्वारा शरीर के दोषों को और व्याकरण शास्त्र के द्वारा वाणी के दोषों को दूर करके हमारे जीवन में शुद्धता प्रदान की।
और महर्षि पतंजलि से लेकर के अपने ऋषियों की वेदों की पावनी परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो ये 2 से 5 मिनट सबको करना, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। करीब 2-2.5 सेकंड में श्वास को लेना, 2-2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। और जो बच्चे हैं और जवान हैं वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, तो 2 मिनट में आप पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml ऑक्सीजन का आप इंटेक करते हो, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का आप इंटेक करते हो। सीधा सा 5 से 10 गुना आपके एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है डीप ब्रीदिंग करने से। अब जो जवान है वो कोई फास्ट करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसा करने में थोड़ी ताकत ज्यादा लगेगी, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको बैकेक हर्निया वीकनेस है, वो धीरे कर लेना, और जिनमें पूरी ताकत है वो मेरे साथ ताकत से कर लेना। इसलिए योग में बोला जाता है किसी भी क्रिया को करते हैं तो यथाशक्ति करना। क्या बोला मैंने, बोलिए, यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है उतना करना। तो एक पूरी हुई प्रक्रिया, इसको बोलते भस्त्रिका।